Hey guys, welcome to channel exam guruji and very good morning. सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेके आ गए हैं करंट अफेयर्स। डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो पूरे दिन हुआ उसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा उसके बराबर में, उस पर आप प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो हमारी तरफ से आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकें। सेकंड चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी जिस तरीके से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, अप्रॉक्स 10,000 के करीब हम पहुँच चुके हैं केसेज जो हैं, तो अभी हम सब की ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरीके से मैं समझता हूँ बन जाती है कि हम अपने घरों में रहें, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर बिल्कुल भी निकलें, घर में ही रहें। और जो भी गाइडलाइन दी गई हैं गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से, उसको फॉलो करें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद हैं तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि आज अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आप किसी के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली सबसे न्यूज़ जो है वो है ये कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, यानी कि शॉर्ट में अगर बोलें तो ये क्या है, ICMR ने भारत में कोरोना वायरस परीक्षण के लिए दवा प्रतिरोधी छह रोग मतलब के जो TB होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन TruNet के उपयोग को मान्य किया है। इसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, मतलब ये हुआ इस खबर का कि जो कोविड यानी कि कोरोना वायरस है उसके परीक्षण अब हम किससे कर सकते हैं, जो हमारी TB पता करने वाली मशीन थी उससे हम कोरोना वायरस का पता कर सकते हैं, उससे परीक्षण होगा, उससे टेस्ट होगा। और ये किसने किया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की थी मशीन हमारी और ये है कोरोना वायरस। तो TB मशीन्स अप्रूव फॉर कोविड-19 टेस्टिंग, यानी कि अब इससे टेस्ट होंगे। लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर जो है वित्तीय तबाही और नौकरी के नुकसान के डर से CIBACK शराब कंपनियों को शीर्ष निकाय वाणिज्य मंत्रालय में से एक निकास योजना की मांग कर रहा है। ठीक है, यानी कि लॉकडाउन के कारण सब चीज़ें बंद ही हो चुकी हैं, तो सारी चीज़ों में एक तरीके से मैं कहता हूँ कि आर्थिक जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, जिसमें वे भट्टियों, ठीक है, शराब की भट्टी होती हैं जो कच्ची शराब बनती है, शराब की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को फिर से खोलना चाहते हैं। यानी कि जो अभी शराब लिक्वर वाला जो मामला है, उन्होंने आग्रह किया है वाणिज्य मंत्रालय से कि भैया ये भट्टियाँ, शराब की दुकान है, इनको खोल दिया जाए। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो सभी में हो रहा है, मेरे हिसाब से ये ना होना चाहिए, क्योंकि अभी ये चीज़ें सब बंद कर देनी चाहिए, जितनी भी नशे की चीज़ें हैं, जो भी हमारे एसेंशियल पार्ट है, यानी कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, खान पान की चीज़ें, वो उस पर थोड़ा काम किया जाए, उन चीज़ों को खोल दिया जाए सही तरीके से, जिससे पब्लिक को वो चीज़ मिलती रहे। ये इतनी एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है, ये तो मौज मस्ती के लिए हो गया। तो CIBACK की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से खबर है, और ख़बर यह है कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI जो है उसने सोमवार को पुष्टि की है कि भारत आगामी 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, यानी कि अब होस्ट बनेगा भारत। भारत में वो मैच होंगे बॉक्सिंग के। चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बावजूद BFI इस वर्ष नवंबर-दिसंबर के लिए निर्धारित कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए आश्वस्त है। यानी कि कोरोना वायरस चल रहा है तो मोस्टली हमने देखा कि IPL भी जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, बट सुनने में आ रहा है उसको भी कि कुछ खिलाड़ियों ने बोला है कि उसमें जो है दर्शक यानी कि जो ऑडियंस है उसकी वो ना हो और खिलाड़ी खेलें, बस बाकी लाइव टेलीकास्ट हो, उसको आप घर पे देखें IPL के लिए। ठीक, तो IPL पोस्टपोन हो गया बट इसको अभी पोस्टपोन नहीं किया गया है, ठीक है। BFI ने बोला है कि वो नवंबर-दिसंबर में इसको करेगा, मुक्केबाजी चैंपियनशिप को। ठीक, नेक्स्ट है इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर बोनेटी, ठीक है, पीटर बोनेटी जो है कि लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो भैया ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर समझ लो, बिल्कुल फोकस कर दीजिए। इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर बोनेटी की लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बोनेटी को 1960 और 1970 के दशक में गोलकीपिंग का सुपरस्टार माना गया है। इसको बताया गया क्या है, गोलकीपिंग का सुपरस्टार। वह इंग्लैंड के 1966 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अप्रयुक्त थे। ठीक है, 1966 में जब इंग्लैंड जीता था तो उसमें उस टीम में ये थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर फोकस करना, इसको रिमेंबर, एक तरीके से नोट बनाते जाइए आप। और मैं इन सब की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ड्राइव से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नेमो-नेट। अब ये है क्या भैया, नेमो-नेट क्या है? तो नेमो-नेट एक एकल खिलाड़ी आईपैड गेम है, एक गेम है, ठीक है, आईपैड का यानी कि एप्पल का, जहां खिलाड़ी 3D और 2D, ठीक है, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कोरल चित्रों को चित्रित करके नासा को प्रबल भित्तियों को वर्गित करने के लिए मदद करते हैं, यानी कि नासा को मदद करते हैं। खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण के रेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया में स्थानों से कोरल रीफ और अन्य उथले समुद्री वातावरण और जीवों का पता लगाने, वर्गीकृत करने के लिए खाद्य श्रृंखला में स्तर बना सकते हैं। तो ये एक तरीके की मतलब अच्छी ऐप है जिससे हमारे साइंटिस्टों को फायदा मिलेगा। आईपैड के लिए है ये एप्पल। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये तो सबको आई थिंक पता होगा 13 अप्रैल को क्या हुआ था। जालियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, उसमें जो कांड हुआ था, उसकी 101वीं वर्षगांठ थी आज, मतलब 13 अप्रैल। ठीक, तो अभी तो आप 14 अप्रैल को देख रहे हैं, तो 13 अप्रैल को ये वर्षगांठ थी। और क्या क्या इसके पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। इस दिन 13 अप्रैल 2020 में 20 ने जालियांवाला बाग नरसंहार की 120वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। इस दिन जलियांवाला बाग में निर्दयता से मारे गए शहीदों को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने बहुत साहस और बलिदान दिखाया। ठीक, ये कुछ उसके बाहर के पिक्चर है। ठीक, अब इस हत्याकांड के बारे में कुछ पॉइंट है। ये हुआ कब था? जलियांवाला बाग नरसंहार या अमृतसर कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जीके स्टैटिस्टिक्स में भी कि ये कब हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब टिक कर लीजिए एक तरीके से। इस दिन कर्नल रेजिनेल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक ने पंजाब के अमृतसर में भारतीयों की भीड़ पर राइफलों को निकाल दिया। नागरिक दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और रोलेट एक्ट की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल, ठीक है, ये जो थे नेता, ये वहां पर सब इकट्ठे हुए थे और किसके लिए, रोलेट एक्ट में जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी निंदा करने के लिए हुए थे। तो जनरल डायर ने क्या करा, 50 राइफलों और 40 खुकरी भी एक तरीके की बंदूक थी वाले गोरखाओं की हड़ताल वाली जगह जहां पर ये हो रहा था धरना, जलियांवाला बाग में हमला किया। चेतावनी को बिना कोई चेतावनी दी उन्हें, और भीड़ पर सीधे गोली और मतलब खुली गोली चला दी उसमें, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग घायल हुए और बहुत से लोग मारे गए उसमें। तो इसके बाद में फिर एक थे उधम सिंह, इन्होंने जनरल डायर को गोली मार के इनकी हत्या कर दी। अब इन्हीं के नाम पे, उधम सिंह के नाम पे एक उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जो पहले थी रुद्रपुर, अब वो बन गई है उधम सिंह नगर। क्या बन गई है? उधम सिंह नगर। इन्हीं उधम सिंह की वजह से उन्होंने जनरल डायर को मारा था, उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कहां पे स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन थे हमारे पास ऋषिकेश, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। तो ये ऑप्शन हमारा ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा। इंडिया का फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप इन ऋषिकेश। और ये करा किसने, इसकी पूरी जानकारी हम इस आर्टिकल से लेते हैं। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स ने, ठीक है, इन ऋषिकेश अलोंग विद वेल के साथ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज सेट अप इंडिया का फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों ने ये मिलके, एम्स और वेल ने वहां पर ये सेट किया है रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है। The system is to be widely used in the state of Uttarakhand to monitor COVID-19 patient. ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आता है ये. और इसकी हाइलाइट्स अगर देखें हम तो द रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अलाउ टू द डॉक्टर एट एम्स टू मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन ऑफ पेशेंट रिमोटली. यानी कि जो एम्स में वो रिमोटली इसको चेक कर सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं एम्स के. ठीक. A website and mobile application were also built as a part of the system. The patient can use these resources and inform doctor about their illness sitting at home. मतलब घर पर बैठे आप उन्होंने वेबसाइट भी बना दी है और एप्लीकेशन है. कुछ एप्लीकेशन आती है हमने भी यूज की होंगी जब ब्लड प्रेशर चेक करा जाता है और बुखार नापने के लिए भी आती है कुछ. तो उसी तरीके से कुछ ये एप्लीकेशन बनाई गई है मोबाइल के लिए और एक वेबसाइट भी बनाई गई है. आप घर पर बैठे बैठे उस एप्लीकेशन से मतलब चेक कर सकते हैं. कोविड-19 के बारे में सारा सब कुछ. और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भी ऐसा इंडिकेशन उसमें आ रहा है, तो आप वहां से डॉक्टर से मतलब कंसल्ट कर सकते हैं. द सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग किट्स टू पेशेंट व्हेन दे आर सस्पेक्टेड ऑफ कोविड-19. मतलब सिस्टम क्या है, इस तरीके से बनाया गया. अगर आप उनको लग रहा है कि कोविड-19 है आपको या फिर सस्पेक्टेड है, तो आपको किट दिया गया, जैसे कि सैनिटाइजर है या फिर मास्क है. ठीक है, और जो भी किट में जो भी चीज़ ज़रूरी होंगी वो आपको मिलेंगी. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द CollabCAD इज अ सॉफ्टवेयर डेट इज हाईली रेलेवेंट टू स्कूल स्टूडेंट हु लॉन्च इट. ठीक है, CollabCAD एक सॉफ्टवेयर है जो स्कूल छात्रों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है. इसे किसने लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन था हमारा अटल इनोवेशन मिशन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. सेकंड बी है नीति आयोग. तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इसको किया है अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, दोनों ने, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अटल इनोवेशन मिशन ने, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है. इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस आर्टिकल से देख लेते हैं. ठीक है, तो ऑन अप्रैल 13, 2020 नीति आयोग, अटल इनोवेशन एम एंड अटल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ज्वाइंटली लॉन्च CollabCAD इनिशिएटिव. द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू फाइंड सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D ड्राफ्टिंग डिजाइन. क्या है ये, बेसिकली क्या है, किसके लिए सॉल्यूशन है? 2D ड्राफ्टिंग और 3D ड्राफ्टिंग डिजाइन. हाईलाइट्स पे अगर ध्यान दें तो द इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट. किसके लिए? स्टूडेंट के लिए बनाई गई ऑफ अटल टिंकरिंग लैब टू क्रिएट and modify 3D design. This will enable creativity and imagination. ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा देगा आगे इसमें. और तो कुछ ऐसा है नहीं. ठीक है, व्हाट इज CollabCAD? अगर हम CollabCAD के बारे में जानना चाहें तो ये है द CollabCAD इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है डेट इज हाईली रेलेवेंट टू स्कूल स्टूडेंट. किसके लिए है ये? स्कूल स्टूडेंट के लिए. इट हेल्प्स टू मेटलाइज देयर क्रिएटिविटी एंड आइडिया, वही चीज जो मैंने हाईलाइट में बताई थी. ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. और गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें जिससे हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, ये भी प्लीज़ मैंशन करें. तो मिलते हैं फिर दोपहर में पैसिव वॉइस की वीडियो के साथ. जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.